भारी बारिश और बाढ़ से देश में मचाई तबाही, कई बार तो कहीं भूस्खलन जाने प्रभावित राज्यों के हाल और किन राज्यों में होगी भारी बारिश। जी हां, मानसून कई लोगों के लिए अनखुशनुमा बनकर आया है तो कई लोगों के लिए मुसीबत का कारण। इन दिनों ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस वजह से देश के कई राज्यों की नदियां भी पूरे उफान पर हैं। देश के पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। गोवा में भारी बारिश के कारण एक महिला की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत कई देश इस वक्त बाढ़ की चपेट में। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन ने बताया कि पिछले दो दिनों में भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में हमारी 18 टीम राहत एवं बचाव अभियान में लगी हुई है। उड़ीसा में 8 अतिरिक्त टीमों को एयरलिफ्ट करके महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण तेलंगाना के कई गाँव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। कुमराम भीम, जगतियाल, वारंगल में रेड अलर्ट है। वहीं राज्य के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण अब तक कुल 129 लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन और बाढ़ के कारण रायगढ़, रत्नागिरी और सातारा में हुई इन घटनाओं में कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश व पूर्वी भारत की तो वहां बारिश बढ़ने की पूरी संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो अब वहां मानसून पहले से कमजोर होता दिख रहा है, जिससे अब महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश कम हो सकती है। तेलंगाना में बारिश में कमी आई है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा और गंगी पश्चिम बंगाल के आसपास के हिस्सों में ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। मानसून की रेखा फिरोजपुर, रोहतक, अलीगढ़, चुर्क, रांची, बालासोर तटीय उड़ीसा के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र में मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। एक उप तटीय ट्रफ रेखा दक्षिणी गुजरात तट से केरल तक तट तक फैली हुई है, जिस कारण अगले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। कच्छ, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार में मध्यम बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, रायलसीमा, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों, मौसम की ताज़ा अपडेट के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।